दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है तदर्थ शिक्षकों के बारे में। सीएम योगी के बड़े फैसले को लेकर 15,000 तदर्थ शिक्षकों को लेकर भी यहाँ से सीएम के माध्यम से जो फैसला है वो कर दिया गया है। सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, साथ ही एडिड स्कूलों में नई भर्ती, पीईटी एग्जाम और 6,800 के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में हाल ही में कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों को लेकर फैसला लेना था। हाल ही में जानकारी समाचार पत्रों में निकली थी कि 15,000 ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ से मांग की जा रही थी कि उनको जो वेतन है वो दिया जाए। लेकिन आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिलेगी जहाँ पर शासन के माध्यम से पूरा का पूरा जो फैसला है वो ले लिया गया है कि किन तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा और किन को यहाँ से बाहर किया जाएगा। और अगर तदर्थ शिक्षक बाहर होंगे तो बेनिफिट होगा टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए जो नई भर्ती के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और आज के समाचार पत्रों में तदर्थ शिक्षकों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जब मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको इतना कुछ पता चलेगा कि आज की तारीख में तदर्थ शिक्षकों के बारे में सरकार क्या फैसले ले रही है। तदर्थ दो तरीके के होते हैं, पहले तदर्थ वो जिनको वेतन मिलता है, पहले तदर्थ, ठीक है, दूसरे तदर्थ वो जिनको वेतन नहीं मिलता है। अब हमारे पद कौन से वो आप जानते हैं कि जिनको वेतन नहीं मिलता है उनके पदों के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर दोनों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहली लाइन में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, मानदेय पर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक, 2,090 तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से कहने की जो समायोजन है वो किया जाएगा, पहला। दूसरे वो तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिलता उनके बारे में क्या कहा गया वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 2,090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारियाँ हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम के विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में एक मौका दिया था। हालांकि वहां पर सिर्फ 40 जो तदर्थ शिक्षक हैं वो यहां पर सफल हो सके थे, बाकी के सभी असफल हो गए थे। दो दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद अचानक अगर इनको बाहर कर दिया जाए तो इनकी रोजी रोटी को लेकर संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके समायोजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कर दिया गया है, और प्रस्ताव बनाकर इनको वेतन के बजाय एक मानदेय पर सहमति बनी है, जो कि एक मानदेय इनको मिलेगा जिसके आधार पर सरकार के ऊपर 1,20,00,000,000 रुपये का जो भार है वो देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक बात तो तय हो गई कि 2,090 तदर्थ शिक्षकों को समायोजन किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसे भी तदर्थ शिक्षक हैं जिनके यहाँ पे कहीं ना कहीं वेतन नहीं मिल रहा है। अब वेतन न मिलने वाले तदर्थ शिक्षकों की संख्या सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 बताई थी, ठीक है। 3 से 4 दिन पहले समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी कि उनकी संख्या 15,000 देखने के लिए मिलती है। अब इन 15,000 हैं कि 22,000 हैं, इसका डाटा तो चयन बोर्ड के पास या फिर सरकार के पास होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सभी के बीच लिखी हुई है कि पहले से वेतन प्राप्त कर रहे तदर्थ शिक्षकों को ही रखा जाएगा। मतलब साफ है कि जिनको पहले से वेतन मिल रहा है सिर्फ उनको ही यहाँ पे रखा जाएगा, बाकी जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनके बारे में क्या कहा गया है। शासन के एक बड़े अफसर की मंशा ये थी कि उन शिक्षकों को भी मानदेय पर रखा जाए जो कि हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं थे, लंबे समय तक पेच फंसा रहा। परिस्थिति बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस बात को, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों का जो समायोजन का प्रस्ताव है बनाकर भेजा गया है। मतलब शासन की ओर से एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिलता है, और ये फैसला ये है कि भाई फिलहाल जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनको हम कोई वेतन नहीं देने वाले हैं, और ना ही हम उनका किसी मानदेय पर समायोजन करने वाले हैं, और ना ही उनको लेकर भविष्य में कुछ सोचेंगे। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा ये कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती के अंदर पदों की संख्या को लेकर मारामारी देखने के लिए मिल रही है,
अगर वेतन न मिलने वाले तदर्थ शिक्षकों को भी यहाँ से बाहर कर दिया जाता है और उन पदों को यहाँ से खाली समझ के अध्याचन लिए जाते हैं, तो चयन बोर्ड के माध्यम से उन सभी खाली पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे। लेकिन अब ये होगा तभी जब शासन के माध्यम से जल्दी इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जिनको वेतन नहीं मिलता है उनको यहाँ से बाहर करते हुए वेतन पाने वाले शिक्षकों का ही यहाँ से समायोजन का जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेजा गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी के लिए जो तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जुड़वाना चाहते थे। 4 महीने से कहीं ना कहीं लगातार इनको लेकर अलग अलग मांगे देखने के लिए मिली, लेकिन अब शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनको बाहर किया जाएगा और जिनको वेतन मिल रहा था सिर्फ उनको ही मानदेय पर रखा जाएगा और इससे कहीं ना कहीं पद जुड़ने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। बात कर लेते हैं 6800 के बारे में। 6800 के चयनित नियुक्तियों की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण छूटे 6800 सूची के शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की है, उसको लेकर मुख्यमंत्री खेल मंत्री अगर बात की जाए गिरीश यादव, विधायक सिद्धार्थ और भी तमाम लोगों से ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समाधान और इसके अलावा आश्वासन की जो मांग है वो करते हुए यहाँ से 6800 की नियुक्ति की मांग की गई। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती के बारे में। एडेड विद्यालय में 280 पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी और ये आपको जो भर्ती होगी वो लखनऊ के विद्यालयों में होने वाली है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की 280 पदों भर्ती के लिए जिलों से प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिले में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी करनी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अगर बात की डॉक्टर सरिता दिवाई ने बताया है कि DIOS की अनुमति के बाद संस्था स्तर से प्रबंधक द्वारा भर्ती पूरी कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों को अलग अलग विज्ञापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है PET को लेकर। PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है जिसको आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। समूह गा के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए होने वाली PET परीक्षा के बारे में बताया गया। भर्ती तो क्या होगी 15 और 16 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बस और ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाए। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव के माध्यम से इसके संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों और बसों में जरूरी इंतजाम के बजाय किए जाएं और साथ ही जरूरत के आधार पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएं और ट्रेनें की व्यवस्था की जाए। साथ में ये भी लिख देते कि यहाँ पर उनको फ्री यात्रा दी जाए, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे सरकार को नुकसान होगा, राजस्व बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस प्रकार के फैसले ले सकती थी। छात्र चाहते थे कि जो गरीब अभ्यर्थी काफ़ी दूरी की कहीं ना कहीं जो तय करनी पड़ेगी उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता अगर यहाँ से फ्री यात्रा भत्ता दे दिया जाता। तो